हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल परिवार में। और आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से बायोलॉजी टॉपिक कर रहे हैं हमारे साथ। आज हम आपको कराएंगे क्वेश्चंस, 53 क्वेश्चन टोटल, और टॉपिक है आपका पॉल्यूशन, प्रदूषण। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पर आपको कंप्यूटर और फिजिक्स के टॉपिक कंप्लीट करा दिए गए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक देख सकते हैं, और वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे आप अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और आपके जो भी सुझाव हो हमारी सीरीज़ को लेके, हमारे क्वेश्चंस को लेके, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। वायु प्रदूषकों का विश्व विश्वसनीय संकेतक है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है लाइकेंस तथा मॉस। ठीक है, लाइकेंस तथा मॉस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है पीबी। मोटर कार से जो उत्पन्न प्रदूषक होता है वो पीबी जो होता है वो एक मानसिक रोग पैदा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मुख्य वायु प्रदूषक सीओ होता है। ठीक है, मुख्य वायु प्रदूषक सीओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक हैं सीओ और SO2। ठीक है, सीओ और SO2 प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडली प्रदूषक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडली प्रदूषक नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडली प्रदूषक नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, हरित गृह गैसें ग्रीन हाउस गैसेस कहलाने वाली गैसें हैं। कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस पूछ रहा है इसमें से कौन सी हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, CFC, CO2, CH4 और NO2, ये आपका सही आंसर है। ये हरित गृह गैसें होती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। तो इसका आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मेट्रोपोलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। मेट्रोपोलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है कौन सा, स्वचालित वाहन। ठीक है, जो स्वचालित वाहन है वो एक प्रकार के नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। तो इसका आंसर है CO। ठीक है, इसका आंसर है CO। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है, CO। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नकरणी है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणी है। तो इसका आंसर है आपका रबर। ठीक है, रबर एक निम्नकरणी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। कौन जैव विघटित है, तो जो वाहित मल होता है ये जैव विघटित होता है। ठीक है, वाहित मल जैव विघटित होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है किस वायु प्रदूषक के कारण। तो ये अभी पहला क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन था, पीबी। ठीक है, पीबी सीसा, इसके कारण तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है
और हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो इसका आंसर है आपका कैडमियम। ठीक है, कैडमियम जो है आपका सही आंसर होगा। कैडमियम वायु प्रदूषक, मनुष्य में ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है और हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकिमीता रोग होने का कारण है। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकिमीता रोग होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है आपका सिलिका। ठीक है, लोहे की खान में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकिमीता रोग होने के कारण सिलिका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है जीवों के श्वसन से। ठीक है, जीवों के श्वसन से हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से। ठीक है, मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो ये जो मार्बल कैंसर है, यह है आपका अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरण करती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरण करती है, इसे मार्बल कैंसर कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर O3 पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर O3 पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर O3 पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मीना माता महामारी किसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे? मीना माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई थी। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो आपके पारद, पारद के प्रदूषण के कारण हुई थी। ठीक है, पारद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो अगर जल प्रदूषण को नापना होता है या मापना होता है, तो हम उसे बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड की जांच करते हैं। बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड जांच की जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, DDT होता है। DDT होता है, तो DDT एक प्रकार का अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। ठीक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, अब तो कम हो गया है ना, पहले काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था ये क्वेश्चन, अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। 23 क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है, क्या होता है? त्वचा का कैंसर, त्वचा का कैंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पापदों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याय हो जाएंगे। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पादपों में के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याय हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? तो O2 की घुली हुई मात्रा से करते हैं। ठीक है, नदियों में जल प्रदूषण की माप O2 की घुली हुई मात्रा से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? तो इसमें इसका आंसर है आपका, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? तो इसका आंसर है आपका O2, O2। ठीक है, इसका आंसर है आपका O2, O2। यहाँ पर आपका सी जो है वो गलत लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सी नहीं होगा, सिर्फ O2 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। प्रकाश रसायन
स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। प्रकाश रसायन स्मॉग क्या होता है? जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 तथा परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। जो स्मॉग हो जाता है या प्रकाश रसायन कहते हैं उसे, तो यह किस तरह की अभिक्रिया होती है उसका परिणाम होता है? तो ये सूर्य की उपस्थिति में NO2, O3 और परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट अभिक्रिया करके बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है आपका H2। H2 जो है एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, ठीक है, H2 एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? प्रदूषण की समस्या नहीं होती, तो जो सौर ऊर्जा है उसमें किसी भी तरह की प्रदूषण की ऊर्जा की समस्या नहीं रहती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो इसका आंसर है आपका जेट उड़ान। ठीक है, जेट उड़ान जो है वो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं? मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, कैसे? परजैविक, ठीक है, परजैविक कहलाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? आप लोग सुनते हैं वो ओजोन परत में छेद है, ओजोन परत में छेद है, लेकिन वायुमंडल के में जिस ओजोन परत का छेद लगाया गया वह स्थित कहाँ है? तो इसका आंसर, आप ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आगे, तो इसका आंसर है आपका अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है क्या? अल्ट्रावायलेट किरणों को, ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है? तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, कैसे, किसकी किसकी वजह से? नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ठीक है, हरित गृह का क्या प्रभाव है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, तो इसका अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसके इसका आंसर है आपका प्रकाश, प्रकाश रासायनिक धुआं। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो इसका आंसर है आपका इसमें कागज, इन सब में ऑप्शन में जितने भी हैं आपका आंसर है कागज।
कागज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके O3 परत को, ठीक है? आंसर क्या है? O3 परत को। पराध्वनिक जेट जो है प्रदूषण पैदा करता है O3 परत को पतला करके, ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, फ्लाई एस पर्यावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, ठीक है? फ्लाई एस एक तरह का वातावरणीय प्रदूषक है जो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे क्या है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका वाहित मल। ये भी पीछे भी क्वेश्चन था, वाहित मल, ठीक है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? वाहित मल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो ये है आपका गौण प्रदूषक, ठीक है? गौण प्रदूषक है एक तरह का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर क्या है? सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका क्या आंसर है आपका? कैडमियम, ठीक है? कैडमियम के द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने के लिए बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका वात स्फीति। वात स्फीति, ठीक है? वात स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग होने से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण होता है, ठीक है? यानी कि आंसर आपका उपयुक्त, तो सभी। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो इसका आंसर जो है वो आपका कौन सा है, कौन सी एजेंसी? ग्रीन पीस एजेंसी कार्य कर रही है, ठीक है? पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी कार्य कर रही है? ग्रीन पीस। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं कौन से? आर्सेनिक, ठीक है? आर्सेनिक जो है वो एक तरह से भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला एक अजैविक प्रदूषक होता है, ठीक? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, सूची का मिलान करना है इसमें। एक तरफ दिए हुए हैं प्रदूषक, एक तरफ दिए हुए हैं प्रभावित अंग, ठीक है? तो आइए देखते हैं क्या है। सीसा, हम लोगों ने इसमें अभी सीसा पढ़ा है, तो हम लोग सीसा पे गौर करेंगे थोड़ा, कि सीसा किसे प्रभावित करता है, सीसा किसे प्रभावित करता है? तो आपको पता है इसमें कि शीशा जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, एक तरह की मानसिक तरह की बीमारी हो जाती है, ठीक है? तो मुझे पता है कि शीशा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक? अब हम देख लेंगे इसमें कि बी में वन कहाँ पर दिया हुआ है। बी में वन सिर्फ एक ऑप्शन है आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, बी में सिर्फ वन, ठीक है? तो ये सब हटा देंगे। अब देखेंगे इसे, ऑप्शन नंबर सिर्फ एक आपको निकल के आ गया, बी में वन, यानी कि शीशा का मस्तिष्क। मुझे पता था, अगर आपको नहीं पता है
तो अगर आपको बाकी पता है उससे आप मैच कर लेंगे। पारा, जैसे कि अगला है पारा, तो इसका क्या हो जाएगा, उधर। ठीक है, पारा उधर को प्रभावित करता है, पारा उधर को प्रभावित करता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। ठीक है, और अब धूल बची, धूल फेफड़ों को प्रभावित करती है। अगर आपको इन सब में से कोई ना पता होता तो आपको पता ये जरूर होता, धूल जो है वो फेफड़ों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर लेते हैं आसानी से। ए में थ्री, ए में थ्री आपको दो ऑप्शन फंस जाते हैं, बी और सी, लेकिन बाकी चीज़ों में से एक पता होना ज़रूरी है, तो आप इसे याद रखिए, वो आसान रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट टाइम आप तभी कर पाएंगे जो आपको याद होगा, आपने 2 से 3 बार रिवाइज किया होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है? भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाए, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका निक्षालक, निक्षालक कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? नीचे दिए गए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। पूछा है क्वेश्चन, कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? ठीक है, कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? तो जो जल में पूछा है, तो आपको जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका, सॉरी, ऑप्शन ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक और फ्लोराइड पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, और इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये सीरीज दोस्तों बहुत ही मेहनत से मैं तैयार कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एक वीडियो को बनाने में, अप्रॉक्स 1 घंटे लगते हैं एक वीडियो को तैयार करने में। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, और आप इन वीडियोस को रेगुलर देखिए ज़रूर, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया इन्हें तो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इन क्वेश्चंस से आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक, पूरी लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, अगर इसके साथ आप सब्जेक्टिव वाली बुक रीड करते चलेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। ठीक है, तो आप उसे लेकर आप रीड भी करते चल सकते हैं, और साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन आप करते चलिए। ठीक है, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।